हे राम किलावन इधर आओ, ये तुम्हारी कमर में क्या है? जनाब बंदूक है। ये बंदूक नहीं है, ये तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी शान है, तुम्हारा मान है, सम्मान है, ये तुम्हारी माँ है, माँ। चलो जाओ तुम यहाँ से। Oh, yeah. गुरुप्रसाद तुम इधर आओ, ये तुम्हारे कमर में क्या है? ये राम खिलावन की माँ है, उसकी इज्जत है, उसका मान है, उसका सम्मान है, और हमारी मौसी है मौसी। साहब साहब, एक लड़की हमारा एक्सीडेंट कर दी साहब। कहाँ जा रहा था तू? अरे कुत्तों की तरह हाँफना बंद कर, अब बता आराम से कहाँ जा रहा था तू? साहब रोड पे जा रहा था। अबे घूंचू कहीं के, मैं पूछ रहा हूँ चला क्या रहा था तू? हम मोटरसाइकिल चला रहे थे। लड़की कहाँ जा रही थी? साहब वो भी रोड पे जा रही थी। और लड़की क्या चला रही थी? साहब वो तो पैर चला रही थी, पैदल ही आ रही थी। अबे तो लड़की ने तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे किया? जी घंटा घर वाली रोड पे हुआ था हमारा एक्सीडेंट, हुआ तो कैमरा भी लगा था, आप सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देख लीजिए ना। हे राम खिलावन, जाके सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग चेक कर, देखते हैं सही बोल रहा है। अभी 2 मिनट में चेक करके बताते हैं जी। और तू सही सही बता दे, वरना चड्डी उतार के मारूंगा मैं। साहब गलती तो वो लड़की की है, आप काहे अपनी चड्डी उतारोगे? काहे यही ठंड में एक दूसरे की चड्डी बनियान उतार रहे हो? पहले लो वीडियो तो देखो, गलती किसकी है? एक बार और रिपीट करना ये वीडियो, एकदम ससुरे गलती तुम्हारी है। टाइम पे साले ब्रेक क्यों नहीं लगाया? लड़की बेचारी बिल्कुल सीधी जा रही थी। पकड़ के साले को अंदर बंद कर, और इस पुलिस स्टेशन में जितनी भी दफाएं बची हुई हैं, सारी दफाएं इसके ऊपर लगा दे, आज शाम तक इसको फांसी हो जानी चाहिए। बहुत सही, अभी बंद करते हैं, ससुरे को शाम तक फांसी नहीं तो उम्र कैद तो हो ही जाएगी। ओह या साहब जी। अबे सुअरों की तरह दौड़ते हुए काहे हमरे ऊपर चढ़ा जा रहा है? बक क्या हो गया तुम्हें? भौंको। सर हमारे यहाँ चोरी हो गई है, चोरी। तुझे नहीं लेंगे, जा कहीं डूब मर। एकदम सही। अरे खिलावन जी चुप रहो, काहे चौंडिया रहे हो, बच्चा बता रहा है। चल बता पूरी बात, कहाँ था तू? जी हम टट्टी खाने में बिजी थे। अरे साले का खाते हो रे तुम? अरे हमारे कहने का मतलब है कि हम घुसल खाने में थे। अच्छा ये बताओ, जब तुम्हारे यहाँ चोरी हुई तो वक्त क्या था? वक्त तो बहुत बुरा चल रहा था, तभी तो चोरी हो गई। अरे बजा कितना था? 1 हमारे पे बजा था, और 5-6 हमारे औरत पे बजा था, और 1 हमारे बूढ़े पे बजा था, वो तो अभी उठा ही नहीं। अब वो उठेगा भी नहीं, वो तो उठ गया हो। साहब इसने 100 बरातियों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया है, अब अपनी गलती मानने से भी इनकार कर रहा है, इसलिए मैं इसको आपके पास ले आया हूँ, अब आप फैसला कीजिए। अरे तूने इतने बरातियों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया? नहीं साहब, ब्रेक फेल हो गया था, हम क्या करते? अरे तो गाड़ी किसी दूसरी तरफ मोड़ लेता। साहब दूसरी तरफ एक आदमी आ रहा था। अरे तो उसके ऊपर चढ़ा देता, इतने बरातियों को कुचलने की क्या जरूरत थी? साहब मैं तो उसी के ऊपर चढ़ा रहा था,
लेकिन वो भाग के उन बरातियों के बीच में घुस गया।